नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको गाज़ियाबाद से लखनऊ के बीच बन रहे ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गाज़ियाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी को कम करने के लिए NHI ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है। जैसा कि नाम से ही हरियाली की बात झलक रही है, इसकी खासियत भी कुछ ऐसी ही होगी दोस्तों। इसको बनाने के लिए सिर्फ उतनी ही ज़मीन ली जाएगी जितनी ज़रूरत है, मतलब कि सिर्फ किसानों से जो ज़मीन ली जाएगी वो बस रोड बनाने के लिए ली जाएगी, और उसके अगल बगल चाहे तो वो खेती कर सकते हैं, और मतलब कि और इसके आसपास कोई कंक्रीट का जंगल नहीं बसेगा दोस्तों, मतलब बिल्डिंगें नहीं बनेगी, कोई बाज़ार नहीं बनेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें हरियाली का भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो यह कॉरिडोर ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करने में कारगर होगा। यह जानकारी दोस्तों स्थानीय सांसद और सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने दी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सड़क की कुल लंबाई 380 किलोमीटर होगी और इसे वर्ष 2025 तक तैयार करने का दावा किया जा रहा है। इसके जरिए गाज़ियाबाद से सीधे 9 जिले जुड़ सकेंगे दोस्तों। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दोस्तों गाज़ियाबाद से लखनऊ के बीच की दूरी को 4 घंटे में तय कर ली जाएगी। अभी दोस्तों प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाने के लिए NH9 और GT रोड के रास्ते ही जाना पड़ता है। इस रूट पर शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ट्रैफिक का दबाव अधिक है, लोगों के वाहन जाम में फंसते हैं और सामान्यतः 8 घंटे लग जाते हैं दोस्तों लखनऊ पहुँचने में गाज़ियाबाद से। जबकि नोएडा का रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए जाने पर भी 6 से 7 घंटे का समय लग ही जाता है। लेकिन दोस्तों अब इस ग्रीन कॉरिडोर के बन जाने के बाद गाज़ियाबाद से लखनऊ मात्र 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा और गाज़ियाबाद से कानपुर मात्र 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा दोस्तों। गाज़ियाबाद से कानपुर तक बनने वाले इस कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी मिलते ही NHAI ने इसका DPR बनाने के साथ ही इस रूट पर आने वाली ज़मीन का अधिग्रहण करने का सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है दोस्तों। उन्होंने बताया कि इस कॉरिडोर के बनने से 9 जिले गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर सीधे जुड़ जाएंगे। NHAI ने DPR तैयार करने का काम शुरू भी कर दिया है और लगभग 350 दिनों में इस DPR को तैयार करने के साथ ही इस रूट पर आने वाले क्षेत्रों के ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी हो जाएगी। इस काम के लिए दोस्तों दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है और इसके बाद अगले 2 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्लान है। यदि प्लान के अनुसार काम हुआ तो 2025 में इस कॉरिडोर पर वाहनों को दौड़ना शुरू हो जाएगा। मंत्री वीके सिंह ने बताया कि 380 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को शुरुआत में 4 लेन का ही बनाने का प्लान है। अंडरपास, फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण मिलाकर इसे 6 लेन के अनुसार ही तैयार किया जाएगा और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके साइड में ज़मीन छोड़ी जाएगी जिससे भविष्य में यदि ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो आसानी से चौड़ीकरण किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि यह 2 एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ से बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से भी इस कॉरिडोर का जुड़ाव होगा। इस कॉरिडोर की घोषणा दोस्तों 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। पहले यह हापुड़ के प्लखवा से तैयार होना था, परंतु बाद में गाज़ियाबाद के मसूरी गंग नहर के पास DMRC से इसे जोड़ने का फैसला किया गया। इसे मेरठ एक्सप्रेसवे से भी 2 स्थान से कनेक्ट किया जाएगा, पहला डासना मसूरी और उसके बाद हापुड़ में लखवा से जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बौछार होने लगी है। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।